अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं। बिहार के अररिया में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से कई प्रत्याशियों ने वार्ड पार्षद पद व मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद के लिए नामांकन पर्चा भर दिया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज अररिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 से वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी कल्पना देवी ने नामांकन पत्र दाखिल कर नगर परिषद की राजनीति में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास और निष्पक्ष चुनाव हो, यही उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वार्ड 14 के पार्षद पद के उम्मीदवारी के लिए उन्होंने जीत का दावा किया है और साथ में उन्होंने कहा कि वह और उसके पुत्र सूरज पासवान निश्चित रूप से समाज के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड 14 की जनता यदि चुनाव में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर देती है तो उनके लिए हम काम करेंगे। उन्होंने वादे करते हुए कहा कि पक्की सड़क, साफ सफाई, नाला निर्माण समेत अनेक योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाएंगे। आखिर जनता उनसे वंचित क्यों है? उन्होंने कहा विभिन्न योजनाओं में आज कई कमियां दिख रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है सभी योजनाएं। उन सभी योजनाओं को दुरुस्त करते हुए आम लाभुकों तक उसका लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जितनी भी समस्याओं और अधूरे काम हैं उन सबको पूरा करेंगे और यही तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि सूरज पासवान ने कहा कि निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और इसी भरोसे उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। मैं सूरज कुमार पासवान, काली बाजार, वार्ड नंबर 14। आज मेरी माँ कल्पना देवी जो है अपना नामांकन दाखिल किया है, ठीक है, जो मेरा नामांकन दर्ज हो चुका है। और मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि मुझसे अगर जनता मुझे जीत करके वहाँ भेजती है तो मैं जनता के लिए हर वक्त चाहे जो भी काम हो, रोड, नाला, बिजली, सड़क, राशन कार्ड हो कि आवास योजना हो, उसके लिए मैं जनता के प्रति हर वक्त हर समय खड़ा उतरूंगा। मेरा नाम सूरज कुमार पासवान, काली बाजार, वार्ड नंबर 14, अररिया। जनता से भी अनुभवी आंखें अपील करेगी कि पहले कीजिए मतदान और फिर कीजिएगा जलपान, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। आपके एक वोट से आपका ईमानदार, निष्पक्ष छवि के उम्मीदवार जीतेगा। अपने पसंदीदा वोट और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें ताकि वह आपके लिए काम कर सके, किसी के बहकावे में ना आए। निष्पक्ष वोट दें, आपके अपनी ईमानदार छवि जो आपके नज़र में है उनको वोट करें ताकि चुनाव में एक सही उम्मीदवार जीतकर आपके लिए 5 साल करता रहे काम। अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।